हाँ सर, एकदम ठीक है सर। हम लोग वीडियो बना रहे सर। टाइम बताइए, टाइम कितना हुआ? मोबाइल हम लोग जगनपुरा में डेली आता है पैसा लेने के लिए, पुलिस पीटता है और शीशा कितना बार फोड़ दिया। इसमें सरकार से तनख्वाह लीजिए और घूस लीजिए, पब्लिक से घूस लीजिए, वो ट्रैक्टर वाले से है रामकृष्णा नगर, और कारण क्या है उसका मैं पूरा रीजन बताता हूँ। टाइम बताइए, टाइम कितना हुआ मोबाइल में देखिए। कितना बजा है टाइम? 2:30 बज रहा अभी। टाइम बताइए, 2:33 दिन का या रात का? रात का। क्यों खड़े हैं आप लोग यहाँ पे? हम लोग जगनपुरा में डेली आता है पैसा लेने के लिए, पुलिस पीटता है और शीशा कितना बार फोड़ दिया है। ये देखिए, ये शीशा दिखाइए कि ये देखिए शीशा का हालत है। ये है बिहार पुलिस, ये एक बिजनेस है, मैं आपको बात बता रहा हूँ कैसा बिजनेस, जिसमें सरकार से तनख्वाह लीजिए और घूस लीजिए, पब्लिक से घूस लीजिए, वो ट्रैक्टर वाले से घूस लीजिए, वो ट्रक वाले से। क्या क्या हुआ आप लोग, सब लोग बताइए, खुल के बोलिए। आप लोग आज खड़े यहाँ पे रात के 2:30 बजे, जब मेरे को फोन आया तब मैं अपने घर से उठ के यहाँ पे आया हूँ वीडियो बनाने के लिए। मेरे को देखने के बाद पुलिस वाला भाग रहा था। गाड़ी नंबर कितना था? BR01AP5201, शायद यही नंबर है उस गाड़ी का। वो भाग रहा था, जो मेरे को याद है बता रहा हूँ, उसको पूरा वीडियो में अपलोड करूंगा। एक दो ड्राइवरों ने वीडियो बनाया, ड्राइवरों ने जब मेरे को फोन किया तब मैं 2:30 बजे यहाँ पे पहुंचा हूँ। आप लोग पूरी समस्या सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। हम लोग टैक्स देते हैं, हम लोग पैसा पे करते हैं, फिर कहाँ लगाएं गाड़ियों को? अगर रोड पे लगाते हैं तो पुलिस लगाने नहीं देता है, और लगाते हैं तो उसके बाद मांगे किसे 200, किसे 300, ये डेली का नाटक है। बताइए गाड़ी नंबर, बताइए क्या है? 52AB01। हाँ, BR01 AP5201। BR01AP5201 ये है गाड़ी का नंबर। अब सरकार को ढूंढना है कि ये कहाँ का गाड़ी है, किसका गाड़ी है, रात के 2:30 बजे किस थाना का पेट्रोलिंग यहाँ पे लगता है, ये किस थाने की गाड़ी है, ये आपको देखना है। ये देखिए, ड्राइवर के पैसा नहीं देने पर उसका ये शीशा तोड़ा गया है। और क्या क्या समस्या आप लोग के साथ आ रही है, आप लोग बताइए। इसे बोला कि तेल निकल जाएगा और हवा खुल जाएगा गाड़ी से। तेल निकाला जाएगा और हवा खोला जाएगा। और आप लोग की सारी समस्याओं को मैं सुनना चाहता हूँ कि यहाँ पे बताइए, और सरकार तक, जो बौनी सरकारें हैं, मैं उन सरकारों तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि जब ये लोग पुलिस को क्यों पैसा दें, जब ये टैक्स जमा कर रहे हैं सरकार को रोड पे खड़ा करने के लिए। और देखा, ये गाड़ियाँ रोड पे भी नहीं है, ये अपने साइड में लगा है। कितने दिन से हो रहा है ये काम, कौन बताएगा? कितने दिन से हो रहा है ये? ढेर दिन से हो रहा है, डेली आता है। क्या क्या करता है? आता, उठाता, मारता है, पीटता सबका। आप थोड़े पुराने आदमी लग रहे हैं, आप बताइए क्या क्या हो रहा है लोग के साथ, आपके साथ भी? सुतला रात के पुलिस आ करके जगाता है, मारता है, पैसा दो, ये दो, गाड़ी लेके भागो, ऐसा बोलता है। मतलब कारण क्या है इसका, कारण क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है आप लोग के साथ? कारण है, पैसा लेता है, पैसा चाहिए वो लोग को, है ना, 200-400 पैसा उसको चाहिए, तभी यहाँ गाड़ी लगने देंगे। अच्छा, मतलब पैसा देंगे तो छूट जाएगा। तो ये देखिए, सरकार को समझना पड़ेगा कि अगर तनख्वाह आप दे रहे हैं तो फिर पैसा उसको क्यों चाहिए, और पैसा देने के बाद क्या सारा अनलीगल अगर ये लोग काम कर रहे हैं तो क्या वो लीगल हो जाता है? अगर गाड़ी को यहाँ पे लगा दिया जाता है, और जब सरकार के जगह पर जब वो पुलिस वाला के पैसा ले लेता है तो लगाने देता है, पैसा नहीं देगा तो नहीं लगाने देगा। आज क्या क्या हादसा हुआ, मुझे क्यों आना पड़ा, आप लोग बताइए क्या क्या हो रहा था आप लोग के साथ, क्या कारण था? वो पैसा चलता है रात में आकर के पुलिस वाला लोग, अच्छा, बोलता है पैसा नहीं देगा तो गाड़ी नहीं लगाओ, यहाँ हवा खोल देते हैं पुलिस वाला। अच्छा, एको देखो भाई साहब क्या हो गया, आप इधर आइए थोड़ा सा, आप भी बताइए कुछ, दो शब्द आप भी बताइए क्या क्या हो रहा है। हादसों को बताएंगे तभी हम सरकार तक अपनी बातों को पहुंचा पाएंगे। जबरदस्ती पैसा लेता है सर, 2 बजे भोर में उठा के नहीं दीजिएगा, शीशा फोड़ता है, गेट फोड़ता है, ये शीशा आस पास से निकलिए, यहाँ कहाँ लगाया हुआ है, जाम है, 200 रुपया दीजिए, छोड़ देता है। सर कैसे फोड़ा हुआ है, कौन सा गेट लाइए, थोड़ा सा दिखाइए, मैं चाहूंगा गेट के, ये देखिए, ये दिखाइए, इस निशान को दिखाइए, ये देखिए, ये पुलिस वालों का मारा हुआ ये गेट का निशान है, ये देखिए बड़ा ध्यान से देखिए, ये पुलिस की रंगदारी, पुलिस की दादागिरी। मैं ये बता रहा हूँ कि गाड़ी वाले जाए कहाँ, करे क्या, किसी के घर के सामने लगाएंगे तो वो मारेगा, और रोड पे लगाएंगे तो चोर पुलिस, गुंडा पुलिस, वो यहाँ पे गाड़ी लगाने नहीं देगा, तो लोग रख रहे कहाँ, ये गाड़ी जाए कहाँ, और गवर्नमेंट को टैक्स क्यों दे रहे हैं ये? गवर्नमेंट को जगह टैक्स दे रहे हैं तो गाड़ी लगाने में क्या दिक्कत है? देखिए वीडियो में जब मैं आया हूँ
तो मेरे को ही बोलता है कि पैसा देंगे कैसा नहीं। जब मैं कैमरा निकालता हूँ तो देख के मेरे को बोलता है किस चीज़ का किस चीज़ का। और फिर यहाँ से गाड़ी भागा है, फिर कई ड्राइवरों ने उसका वीडियो बनाया, वो सारे वीडियो को मैं अपलोड करूंगा इसके अंदर कि क्या क्या समस्या है इन लोग का। और सरकार से मैं पूछना चाहूंगा कि कितने दिन में उनके ऊपर कार्रवाई होगी और क्या क्या इनके इनके पीछे हो रहा है। मैं सरकार से इसका जवाब चाहता हूँ। बारह बजे रात के, दो बजे रात के सर जाता है, पैसा वो लेता है 100 रुपया और 50 रुपया लेके जाता है, डेली आता है डेली ले जाता है। आप इसके बारे में कुछ कीजिए सर। हमारे वो करता हम लोग के, नहीं देता है तो गाड़ी हटवा देता है। हाँ सर, एकदम ठीक है सर, हम लोग वीडियो बना रहे हैं सर। रोड का खराब कर दिया सर ये। मैदान क्यों चला गया? अगर आपको इस तरह का वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को शेयर करिएगा, और अगर आप भी इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को फॉरवर्ड करिएगा। यही मेरा आप लोग से अपील है, यही मेरा आप लोग से रिक्वेस्ट है। तो गाइस मिलेंगे अगले वीडियो में। इसी तरह के वीडियो में बनाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन समस्याओं को देखते हुए, ड्राइवरों की परेशानियों को देखते हुए मुझे इस तरह के वीडियोस बनाने पड़ रहे हैं। तो चलिए गाइस मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।